नमस्ते। इस पाठ में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्वप्रथम अच्छे और बुरे मित्र के गुणों से संबंधित एक पाठ सुनेंगे, उसके बाद वाक्य के दो प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए पाठ को सुनते हैं। एक अच्छा मित्र सुख दुख में अपने दोस्त का साथ देता है। वह मित्र के प्रति सदा प्रेम और स्नेह की भावना रखता है। वह अपने दुख को धूल के समान हल्का मानता है। मित्र के दुख को पहाड़ के समान भारी मानकर उसकी मदद करता है। वह सदैव मित्र के सद्गुणों की ही चर्चा करता है। मित्र के अवगुणों की चर्चा दूसरों के सामने कभी नहीं करता है। वास्तव में उसे हमेशा मित्र के हित की ही चिंता रहती है। कुमित्र अर्थात बुरा मित्र सामने मीठा बोलता है। वह पीठ पीछे बुराई करने में नहीं हिचकिचाता। वह प्रेम व स्नेह करने का नाटक करता है। वह सच्ची मित्रता का अर्थ नहीं समझता है। वह कहता कुछ है तथा करता कुछ और है। उसे मित्र के हित की तनिक भी चिंता नहीं होती। मित्र का दुख उसे दुखी नहीं करता है। ना ही वह मित्र की प्रगति से खुश होता है। ऐसे मित्र को अपने से दूर रखने अथवा त्यागने में ही भलाई है। मित्र का धर्म है कि वह अपने दोस्त का सही मार्गदर्शन करे। उसे कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाए। उसे कुकर्म नहीं सुकर्म करने की प्रेरणा दे। छात्रों, अब पाठ में आए उपसर्ग से बने कुछ नवीन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। मूल शब्द है गुण। सद उपसर्ग लगाने से नवीन शब्द बना सद्गुण। इसका अर्थ है अच्छा गुण। इसी प्रकार से अव उपसर्ग लगाने से शब्द बनता है अवगुण। इसका अर्थ है दोष।
मित्र शब्द के साथ को उपसर्ग लगाने से शब्द बना कुमित्र, अर्थ बुरा मित्र। मूल शब्द है पथ, को उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना कुपथ, अर्थ बुरा रास्ता। इसी प्रकार से सु उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना सुपथ, अर्थ अच्छा रास्ता। मूल शब्द है कर्म, इसके साथ को उपसर्ग जोड़ने से नवीन शब्द बना कुकर्म, अर्थ बुरा काम। सुकर्म अच्छा काम। छात्रों, व्याकरण भाग में हम वाक्य के प्रकार की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लें कि वाक्य क्या है। वाक्य वह शब्द समूह है जो एक विचार या भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। उदाहरण, रवि एक अच्छा मित्र है। रवि एक अच्छा मित्र नहीं है। क्या रवि एक अच्छा मित्र है? छात्रों, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के कई प्रकार हैं। इस पाठ में हम अर्थ के आधार पर विभाजित वाक्य के दो प्रकार पर चर्चा करेंगे। विधान या विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। विधान या विधिवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। उदाहरण, अच्छा मित्र सुख दुख में साथ देता है। कुमित्र पीठ पीछे बुराई करता है। निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके द्वारा किसी क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है। इसमें नहीं, न, ना, मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, वह मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब साथ मिलकर कुछ विधानवाचक वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। विधानवाचक रूप है, मैं बाजार जाऊंगा। निषेधात्मक रूप, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अगले साल दीदी विदेश जाएगी। अगले साल दीदी विदेश नहीं जाएगी। तुम पाठशाला जा रही हो। तुम पाठशाला नहीं जा रही हो। यदि दीदी आई तो मिठाई बनेगी। यदि दीदी नहीं आई तो मिठाई ना बनेगी। यहां बैठो, यहां मत बैठो। तो छात्रों, कैसा रहा? हमें उम्मीद है कि अब आप आसानी से विधानवाचक वाक्यों को निषेधात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
अब चलिए हम कुछ निषेधात्मक वाक्यों को विधानवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। निषेधात्मक रूप है, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं। विधानवाचक रूप, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कल भारी वर्षा नहीं हुई थी। कल भारी वर्षा हुई थी। रविवार को हम घूमने नहीं जाएंगे। रविवार को हम घूमने जाएंगे। भाई को नौकरी नहीं मिली। भाई को नौकरी मिली। नल का पानी मत पीना। नल का पानी पीना। हमारा पाठ यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको विधानवाचक और निषेधात्मक वाक्य रूप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद और नमस्कार।